गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि बज गए हैं शाम के 8 और पंजाब के एरिया में ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड क्या होता है कि हम यहाँ पे पंजाब में साग वगैरह बहुत फेमस है और मक्की की रोटी बहुत फेमस है, तो साग में हम मक्खन डाल के खाते हैं। तो मैं भी बनाने वाली हूँ आज मलाई से मक्खन। मलाई से मक्खन हम कैसे बनाते हैं तो आज मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ये मैंने कहाँ पे सीखा था, ये जब मैं अपने इन लॉ के घर में थी तो मैंने वहाँ पे सीखा था अभी कैसे बनाते हैं। पहले मुझे नहीं आता था इतना, बस खाना आता था, अब हमें बनाना भी आता है। तो मैं दीक्षा के लिए भी बना लेती हूँ बिकॉज दीक्षिका को पसंद है खाना और उसे मैं खिलाती भी हूँ, बिकॉज मक्खन घी दूध तो एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फिर मैं कैसे मलाई से मक्खन निकालती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहे और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक हफ्ते की इकट्ठा की हुई मलाई है, अब इसको मैं पहले दही में जमाऊंगी। तो इसके लिए मैं पहले दूध को गर्म कर लेती हूँ। एक्चुअली दूध को हमें अच्छे से उबालना पड़ेगा क्योंकि ना ठंड में दही अच्छे से जमती नहीं है जल्दी, क्योंकि ठंड के मौसम में दही का जमना थोड़ा सा वो हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं दूध को अच्छे से उबाल लूँगी, फिर इसको गर्म गर्म में ही मैं दही डाल के इसको जमाऊँगी, तब से ये सुबह तक में हमारा दही जम जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें मेरी मलाई है हफ्ते की इकट्ठी की हुई और ये मैंने बड़ा पतीला ले लिया है क्योंकि ये पूरा फिलअप है, भरा हुआ है, तो इसमें हमारा दही नहीं जमेगा, इसलिए मैं ये बड़ा ले रही हूँ। सारी मलाई डाल रही हूँ। मलाई को मैंने दिन में ही बाहर निकाल दिया था नॉर्मल टेम्परेचर का, जैसे भी ठंडा नहीं है बिल्कुल भी, नॉर्मल टेम्परेचर का हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी गर्म गर्म दूध। तो दूध मेरा बॉयल हो रहा है, हो चुका ही होगा अब। तो जैसा कि ये मेरा बॉईल किया हुआ दूध है, इसमें मैं इतना सा ही मिला दूंगी, मैं ज़्यादा नहीं मिलाऊंगी क्योंकि हमें सिर्फ मक्खन निकालना है, हमें दही की हमें जरूरत नहीं है, बस इसे ही मिला देंगे, सारा इसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक्चुअली ये भी हमारा जो रह गया है कंटेनर, इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म दूध डाल देंगे। थोड़ा सा गर्म दूध डालने के बाद क्या होगा, ये सारा मिक्सअप हो जाएगा और इसे हम वापस इसी में डाल देंगे और हमारा ये बर्तन भी साफ हो जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसमें गर्म गर्म दूध डाल दिया है। इसे मैं गर्म गर्म दूध डालते ही देखिए सारी पिघल के एक साइड में एक नीचे की तरफ इकट्ठी हो चुकी है। इसे मैं अच्छे से गर्म दूध के साथ मिला के वापस इसमें डाल दूंगी क्योंकि इसमें काफ़ी भी मलाई लगी हुई है। सो डियर फ्रेंड्स, इसको मैं नीचे हाथ लगा के देख लूँगी कि ये उतना गर्म है जितना गर्म दही जमने के लिए चाहिए। अगर नहीं होगा तो, अगर थोड़ा ठंडा होगा तो आप इसे थोड़ा सा गैस पे रख के गर्म कर सकते हैं, बट ये मेरे लिए उतना गर्म है जितना मुझे चाहिए है। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें दही मिलाऊंगी। ये जब हम जहाँ से दूध लेते हैं वहाँ से मैं मांग के ले आई हूँ, इसमें थोड़ा सा दही मिला लूँगी अब मैं। एक्चुअली मैं ठंड का मौसम है तो थोड़ा ज़्यादा ही डाल देती हूँ ताकि ना जमने की कोई पॉसिबिलिटी ना रहे। फिर मैं मिला के इसे ढक के आराम से अच्छे से गर्म सी जगह पे रख दूंगी। तो डियर फ्रेंड्स, अब मैंने दही जमने के लिए दे दिया है, अब मैं सुबह आके सुबह चेक करूंगी दही जम गया तो फिर मैं उसके बाद मक्खन निकालूंगी। रात तक दही जम जाएगी, अब हम मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कल शाम को मैंने रात को दही जमा लिया है एंड अब मैं उसका मक्खन निकालने वाली हूँ। तो सुबह के बज गए हैं 10 एंड अब मैं जा रही हूँ मक्खन निकालने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे मक्खन निकालती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारी दही जम चुकी है, अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के फिर इसे हम मक्खन निकालेंगे इससे। और ये मैंने ठंडा पानी का एक जग रखा हुआ है, इससे क्या करेंगे अगर बाई चांस इसमें दूध पड़ेगी तो हम ये ठंडा पानी डालेंगे। दो मिनट भी नहीं लगे और हमारा मक्खन बनके रेडी हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लूंगी, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक हफ्ते के हमारे मक्खन ऐसे बन गए हैं। इसे मैं अपने चम्मच के हेल्प से निकाल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके ताकि बाहर भी कुछ गिरे ना। हाँ।
डियर फ्रेंड्स, ये मैं अब इसकी जो लस्सी है ये छान लेती हूँ ताकि जो थोड़ा सा मक्खन वक्खन है वो जाए ना लस्सी में हमारे। सो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे मिक्सर ग्राइंडर के जार में भी ये मलाई वगैरह लग गई है। इसे हम क्या करेंगे, गर्म पानी की हेल्प से इसे हम साफ करके इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड, फाइनली मैंने ये बना लिया है मक्खन एंड ये है मेरी लस्सी जो गड़बी में है, जो मेरी गड़बी में है ये लस्सी है। आप चाहे तो इसका कढ़ी बना सकते हैं या फिर सर्दियों के मौसम में यू ही नमक डाल के पी सकते हैं, गरम गरम रोटियों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये लेती हूँ, आप तो चाहे इस मक्खन को गर्म करके आप इसका घी भी बना सकते हैं, बट फिलहाल मैं इस मक्खन को रखूँगी ताकि रोटी में लगा के हम सब यूँ ही घी की जरूरत नहीं है, तो हम अभी मक्खन ही खाने वाले हैं। सो दैट्स वाई मैं इसका घी नहीं बनाऊँगी। सो ये है मेरी रेसिपी मलाई से मक्खन निकालने की। थैंक यू सो मच।